नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल सक्सेस प्लेस में। इस वीडियो में हम बात करेंगे 10 इंपॉर्टेंट शेयर के बारे में, मतलब 10 जो मल्टी बैगर रिटर्न दे सकता है आपको आने वाले समय में। दोस्तों ये हमारे हिसाब से 10 मल्टी बैगर शेयर है। अगर आपको पसंद आता है तो वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा अपने सभी दोस्तों के साथ। इन 10 शेयर के अलावा भी हम आपको बताते चलेंगे कि इस सेक्टर में, जिस सेक्टर के हम 10 स्टॉक बताएंगे उस सेक्टर में और कौन कौन से शेयर है जिस पर आप अपना जो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जो कि आपको आगे चलकर एक मल्टी का रिटर्न दे सकता है। ये जो 10 शेयर है काफी इंपॉर्टेंट शेयर है, मतलब काफी महत्वपूर्ण शेयर है, जो कि हम अलग अलग वीडियो में आपके साथ डिस्कस करते रहते हैं। और ये 10 शेयर काफी बेहतरीन शेयर है जो कि आपको काफी अच्छा वेल्थ क्रिएट करके दे सकता है। सबसे पहला है हमारा इंडिया मार्ट इंटरमेश लिमिटेड, ये भी काफी बेहतरीन शेयर है। और दोस्तों बता दें, ये जो शेयर है आप देख सकते हैं 11% आज अप है, तो किसी दिन ये आपको 5% 10% डाउन भी दिख सकता है, जो कि मार्केट पर डिपेंड करता है। मार्केट में करेक्शन आता है तो इसमें आपको गिरावट भी इतना ही तेज दिखेगा, लेकिन ओवरऑल आप देखेंगे तो ये काफी अच्छा रिटर्न दे रहा है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में। मतलब आप लॉन्ग टर्म के लिए सोचते हैं, अगर 1 साल 2 साल 5 साल के लिए, तो काफी बेहतरीन शेयर है। आप भी देख सकते हैं 298% का रिटर्न ये दे चुका है मात्र 1 साल में, तो काफी बेहतरीन शेयर है। अगर आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इन्वेस्ट कर सकते हैं, जो कि काफ़ी बेहतरीन शेयर है। तो कभी भी करेक्शन आता है तो करेक्शन का वेट करें और हर करेक्शन पे आप इसमें बाय कर सकते हैं। उसके बाद दूसरा है हमारा डिक्सन टेक्नोलॉजी, ये शेयर काफ़ी ज़्यादा मूव कर चुका है, तो इसमें बहुत सारे लोग का करेक्शन का वेट कर रहे हैं, लेकिन ये शेयर कभी करेक्शन का नाम ले ही नहीं रहा है। आप देख सकते हैं ये शेयर लगातार जो है अप ट्रेंड में है, और 1 साल में देखेगा तो ये भी शेयर काफ़ी ज़्यादा रिटर्न दे चुका है इन्वेस्टर को, 245% का रिटर्न। ये सारे बेहतरीन शेयर है जिसमें आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, ज़रूर इन्वेस्ट करें। तो थोड़ा सा इसमें करेक्शन आया था मात्र जो है मार्च में, जो पैंडेमिक था उस समय गिरावट में, उसके बाद ये शेयर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उस समय मात्र ये शेयर 3400 रुपये का था, 3400 का, और वहाँ से देखते हैं ये 9000 का ये शेयर हो चुका है। आज का जो इसका हाई है वो 9000 का है। अगर 9000 के लेवल को क्रॉस करता है तो फिर से आपको ये 5 डिजिट में जाता हुआ दिखेगा। तो दोस्तों काफ़ी बेहतरीन शेयर है, आप चाहें तो इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों याद रहे इस शेयर में गिरावट आएगा तो भी काफ़ी तेज होगा, इसलिए स्टॉप लॉस अपना ज़रूर लगा लें। स्टॉप लॉस के साथ आप इन्वेस्ट करें, स्टॉप लॉस जैसे आप अभी बाय करते हैं 8971, या इसमें थोड़ा सा करेक्शन का वेट करें। कभी इसमें थोड़ा सा करेक्शन भी होता है, 500 ऊपर नीचे ये होता रहता है, तो आप उसमें इन्वेस्ट करते हैं तो 500 नीचे, मतलब जैसे 9000 पर आप इसमें इन्वेस्ट करते हैं तो 8500 पर आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। तो स्टॉप लॉस के साथ इन्वेस्ट करें, बहुत बड़ा स्टॉक है तो कम ही क्वांटिटी आप इन्वेस्ट करेंगे। जैसे 5 क्वांटिटी लेते हैं तो आप उसमें 500 पर स्टॉप लॉस लगा दें कि आप 2500, या 10 क्वांटिटी लिए तो 5000 के लॉस के साथ आप इससे एग्जिट कर जाएंगे। तो स्टॉप लॉस के साथ इन्वेस्ट करें, क्योंकि इस तरह के शेयर में गिरावट भी काफ़ी तेज हो सकती है। उसके बाद है रिलायंस इंडस्ट्री, आप इसमें आंख बंद करके इन्वेस्ट कर सकते हैं। दोस्तों आने वाले समय में रिलायंस जो है, जिस तरह से आप देखते हैं एप्पल, अमेजोन और जो अलीबाबा ग्रुप है, उसी तरह का रिलायंस होने जा रही है इंडिया के। जो जियो का आप कस्टमर बेस देख रहे हैं, और उसके बाद जियो मार्ट आ रहा है, जियो रिटेल आ रहा है, तो इस तरह के काफ़ी सारे रिलायंस की कंपनियाँ, मतलब रिलायंस के बिजनेस स्टार्ट हो रहे हैं, जिससे ये अपने कस्टमर बेस को बनाए रख सकता है। तो रिलायंस जो है काफ़ी बेहतरीन होने जा रहा है आगे चल करके, तो रिलायंस में आप जरूर इन्वेस्ट करें। अगर आप स्टॉक मार्केट में हैं तो किसी भी कंपनी में करें ना करें, रिलायंस में आप जरूर इन्वेस्ट करें, क्योंकि आने वाले समय में रिलायंस हो सकता है एक बहुत बड़ा मल्टी बैगर शेयर बन सकता है। तो दोस्तों ये भी देखिएगा, मैक्सिमम में काफी बेहतरीन रिटर्न दिया है रिलायंस ने। यहाँ पर देख सकते हैं ये जो है 2009 से लेकर के 2016 के लास्ट तक ये स्टॉक पूरी तरह से परफॉर्म कर ही नहीं रहा था, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। उसके बाद 2016 दिसंबर के बाद देख सकते हैं इसमें काफ़ी तेज रैली देखने मिला है, तो इसी तरह की तेजी आगे भी रिलायंस में आपको बना रह सकता है। अगला है हमारा IRCTC, दोस्तों ये भी काफ़ी बेहतरीन शेयर है। जैसे आप इसमें इन्वेस्ट करते हैं तो आपको ट्रेन के स्टार्ट होने का वेट करना पड़ेगा, उसके बाद इसमें भी काफ़ी तेज मोमेंटम आपको देखने मिल सकता है। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए ये भी काफ़ी बेहतरीन शेयर है। जैसे
ट्रेन नॉर्मल हो जाता है, नॉर्मल रूप से ट्रेन स्टार्ट हो जाती है, तो इस शेयर में भी आपको काफ़ी तेज़ मोमेंटम देखने मिलेगा। तो अभी आप इसमें थोड़ा वेट कर सकते हैं इन्वेस्ट करने के लिए, क्योंकि अभी जो हमारा सिचुएशन है वो पूरी तरह से ठीक हुआ नहीं है, हम पूरी तरह से नॉर्मल कंडीशन में आए नहीं हैं और इसका जो बिजनेस है पूरी तरह से नॉर्मल रूप से स्टार्ट नहीं हुई है। तो ऐसे में आप इसमें थोड़ा सा वेट कर सकते हैं, अगर करेक्शन आता है तो आप इसमें SIP स्टार्ट कर सकते हैं, SIP में अपना इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद जो अगला है हमारा इन्फो एज, ये भी काफ़ी बेहतरीन है। जो ऑनलाइन बिजनेस है, जो आप देख रहे हैं ऑनलाइन बिजनेस है, वो किसी भी पैंडमिक से कोई प्रभावित नहीं है। तो ऑनलाइन बिजनेस में जैसे हो गया आपको इन्फो एज, इंडिया मार्ट आपको बताए, उसी तरह से एप्पल इंडिया है, उसी तरह से और भी जो नए नए बिजनेस हैं जो कि ऑनलाइन बिजनेस में आ रहे हैं, आप उसमें चाहे तो इन्वेस्ट कर सकते हैं। जैसे IT कंपनियाँ हैं, IT कंपनियों में इन्फोसिस में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, SCL टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो उसी तरह से जो ऑनलाइन बिजनेस वाले हैं, जैसे इनका जोमेटो है, इनका जो JeevanSathi.com है, Naukri.com है, काफ़ी बेहतरीन बिजनेस है। पैंडमिक थोड़ा सा प्रभावित हुआ है, लेकिन जो बहुत सारे बिजनेस हैं इनके, वो ज़्यादातर बिजनेस प्रभावित नहीं हुए हैं, तो काफ़ी बेहतरीन है ये भी शेयर। अगर गिरावट में मिल रहा है तो काफ़ी बेहतरीन है, गिरावट में आप देखते हैं ये आया था यहाँ पर 2000 के आसपास, तो यहाँ पर आप इन्वेस्ट कर सकते थे। अभी भी आपको 3000 के नीचे कहीं भी मिलता है तो आप इन्वेस्ट कर सकते हैं SIP मोड में, मतलब स्टॉक में आपको SIP करना है धीरे धीरे। उसके बाद अगला है हमारा फाइन ऑर्गेनिक इंडस्ट्री, ये भी काफ़ी बेहतरीन शेयर है, देखते हैं 2600 का शेयर है अभी। इसमें आप चाहें तो SIP अभी तुरंत स्टार्ट कर सकते हैं या थोड़ा सा वेट भी कर सकते हैं। हमने पहले भी इस शेयर को बताया था, इंडिया मार्ट हो गया, फाइन ऑर्गेनिक्स हो गया, इस स्टॉक के बारे में हमने पहले भी कई वीडियो में बताया था कि ये काफ़ी बेहतरीन शेयर है जिसमें आप चाहें तो इन्वेस्ट कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म में आपको काफ़ी बेहतरीन रिटर्न देगा। देख सकते हैं काफ़ी बेहतरीन रिटर्न, 222% का रिटर्न दिया है मात्र 2 साल के अंतराल में, तो ये भी काफ़ी बेहतरीन शेयर है। उसके बाद जो अगला हमारा शेयर है वो SRF, दोस्तों इसका बिजनेस जो है काफ़ी डाइवर्सिफाइड है, मतलब कई सारे सेक्टर में इस कंपनी के बिजनेस है, मेनली बिजनेस जो है इनका केमिकल का है। और दोस्तों ये काफ़ी बेहतरीन शेयर में से एक है, इस शेयर में देखिए 2013 से लगातार अप ट्रेंड बना हुआ है। जब गिरावट आया था पैंडमिक में तो काफ़ी ज़्यादा गिरावट आया था, लेकिन वहाँ से रिकवरी भी उतनी ही फास्ट थी इस कंपनी की। तो दोस्तों ये सारे फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स है, इसमें चाहे तो इन्वेस्ट करते हैं, लॉन्ग टर्म में ये स्टॉक्स काफ़ी बेहतरीन 26000% का रिटर्न दिया है, आगे भी आपको इस तरह के रिटर्न ये स्टॉक्स आपको दे सकता है। उसके बाद जो हमारा अगला स्टॉक है वो है PI इंडस्ट्री, ये भी काफ़ी बेहतरीन स्टॉक्स है, ये भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में काफ़ी बेहतरीन रिटर्न दिया है। इसका भी जो बिजनेस है काफ़ी डाइवर्सिफाइड है, मुख्य बिजनेस इसका भी केमिकल का है, तो एग्री केमिकल से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा बिजनेसेस हैं, आप चाहे तो इसमें इन्वेस्ट करते हैं, लॉन्ग टर्म में निश्चित है कि काफ़ी बेहतरीन रिटर्न ये कंपनी आपको देगी। अगर आप देखेंगे 2011 से अभी तक में तो देखते हैं 2400% का रिटर्न दिया है, लेकिन आप लॉन्ग टर्म देखिएगा 2000 से अधिक अभी तक तो ये कंपनी आपको 2.5% का रिटर्न दिया है, मतलब 20 साल में 2.5% का रिटर्न, काफ़ी बेहतरीन कंपनी है, आप चाहे तो इसमें इन्वेस्ट करते हैं। तो दोस्तों ये 10 बेहतरीन स्टॉक्स आपको बता रहे हैं, वीडियो निश्चित है आपको पसंद आएगा। अगर आप वीडियो पूरा देखते हैं तो अपने दोस्तों के साथ वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो अगला जो हमारा शेयर है इसमें HLE ग्लासकॉट, ये दोस्तों काफ़ी बेहतरीन शेयर है, जितना कहा जाए उससे कहीं ज़्यादा बेहतरीन शेयर है। देखते हैं इसमें मोमेंटम जो है सितंबर 2019 से जो मोमेंटम आया अभी तक बरकरार है, और सितंबर से लेकर के अभी तक का जो सितंबर है, मतलब एक साल में 716% का रिटर्न दिया है, मतलब आपने जितना स्टॉक देखा उसमें सबसे ज़्यादा रिसेंट टाइम में जो रिटर्न दिया है वो यही स्टॉक है HLE ग्लासकॉट, काफ़ी बेहतरीन शेयर है ये भी दोस्तों। लाइन लॉन्ग टर्म में काफ़ी बेहतरीन रिटर्न दिया आपने इन्वेस्टर को, लॉन्ग टाइम में आप देख लीजिए 18000% का रिटर्न दिया है, तो काफ़ी बेहतरीन है। उसके बाद अगला है हमारा आरती ड्रग्स, ये भी काफ़ी बेहतरीन शेयर है, आरती ड्रग्स भी काफ़ी बेहतरीन रिटर्न दिया है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में। यहाँ पर देख लीजिए कि इस स्टॉक में भी जो 27 मार्च को गिरावट हुआ था वहाँ से काफ़ी ज़्यादा तेज़ी देखने मिला है, 466% का रिटर्न वहाँ से दे चुका है। अगर लॉन्ग टाइम में देखेंगे तो भी काफ़ी बेहतरीन रिटर्न है, 8000% का रिटर्न है 2004 से लेकर अभी तक। आरती ग्रुप की एक कंपनी है, इसके
जो प्रमोटर्स है आरती इंडस्ट्री और आरती ड्रग्स दोनों का सेम है। साथ ही साथ इसकी तीसरी कंपनी भी आरती सर्फेक्टेंस। तो दोस्तों आरती ग्रुप की जो भी कंपनियां हैं सारी कंपनियां इन्वेस्टर के लिए काफ़ी बेहतरीन रिटर्न दिया है, तो आप चाहे तो इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये कंपनियां अभी देखते हैं काफ़ी करेक्शन में है, 1% का गिरावट आज हुआ है। साथ ही साथ ये कंपनी बोनस भी आपको दे रही है, जैसे बोनस देती है तो ये स्टॉक का प्राइस भी काफ़ी कम हो जाएगा, तो आप नीचे के करेक्शन के प्राइस पर भी ले सकते हैं, तो उसका भी वेट कर सकते हैं। तो दोस्तों फार्मा सेक्टर के जो ये स्टॉक है इसके सेवा और भी कई बेहतरीन स्टॉक्स हैं, जैसे ग्रेनुलेज इंडिया हो गया, आपको पी फाइजर हो गया, तो इन सारे स्टॉक्स में भी आप चाहें तो इन्वेस्ट कर सकते हैं। कई सारे स्टॉक्स हैं, लुपिन हो गया, सिप्ला हो गया, सन फार्मा हो, ये सारे तो लार्ज कैप स्टॉक्स हो गया। आपका ज़्यादातर जो मतलब इन्वेस्टमेंट होना चाहिए मिड कैप कंपनी में होना चाहिए, क्योंकि मिड कैप कंपनी आगे चलकर एक लार्ज कैप कंपनी बनेगी जो कि आपको एक मल्टी बैगर रिटर्न देगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। तो वीडियो अगर हेल्पफुल रहा तो वीडियो को लाइक और शेयर करना है, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लेना है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही बेहतरीन स्टॉक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।